की जगह पर आपात्रों को दिया जा रहा आवास जिला अधिकारी से जांच करने की मांग की। पसगुआ खीरी। भ्रष्टाचार में संलिप्त पसगुआ ब्लॉक के कर्मचारी जो गरीबों को आवास सरकार दे रही है वह गरीबों को न देकर अपात्र लोगों को दिए जा रहे हैं। पसगुआ ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेनंद मुहिउद्दीनपुर बनका गांव चपरतला आदि गांव में भ्रष्टाचार किया जा रहा। मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही गरीब के लिए योजना उन योजनाओं में पसगुआ ब्लॉक के वीडियो करवा रहे भ्रष्टाचार सेंड निवासी अनिल कुमार ने आवास को लेकर जिला अधिकारी लखीमपुर खीरी से शिकायत की। मेरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची क्रमांक नंबर 8 पर था जो मुझे आवास नहीं दिया जा रहा, जिसकी शिकायत पहले पसगुआ वीडियो से की थी, लेकिन पसगुआ वीडियो ने उल्टा शिकायतकार धमकी दी कि दोबारा किसी उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे। आवासों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रति आवास पर 20,000 रुपये लिए जा रहे, जो 20,000 रुपए नहीं देता है उसको आवास नहीं दिया जा रहा है। आपका अनिल कुमार, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम सेंडा। अच्छा, ब्लॉक कौन सी लगती है? पथगुमा। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या है सर, आवास जो मेरे गांव में आए हैं वो सब अमीर लोगों के आए हैं, वो पात्र नहीं है, उन लोगों को आवास आए। अच्छा, आपका कितने नंबर पे आवास था? 8 नंबर पे। अच्छा, किसी उच्च अधिकारी को आपने लिखित में प्रार्थना पत्र दिया इस संबंध में? हमने दिया है डीएम को। अच्छा, डीएम को। और किसे शिकायत किया है? और हमने यहाँ वीडियो को दिया था। अच्छा, तो वीडियो साहब अब क्या कह रहे हैं? वीडियो साहब कह रहे हैं कि अब से दोबारा प्रार्थना पत्र दिया तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। आप सब कमेंडर बना रहे हो, 20,000 रुपये मांग रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी वीडियो प्रदान। अच्छा, 20,000 रुपये मांग रहे हैं। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? रवि कुमार गौतम। कहाँ रहते हो? टेंडा गाँव में। ब्लॉक कौन सी पड़ती है? पसगुआ। जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अच्छा, क्या हुआ, आपने आवासों को लेकर अप्लीकेशन दी तो क्या हुआ, आपका नाम है कहीं लिस्ट में? हाँ, लिस्ट में नाम है 103 नंबर पर, सेक्रेटरी के पास गया मैं और वीडियो साहब के पास अप्लीकेशन दी जाकर, तो वीडियो साहब ने आए जांच की, गांव में आकर मेरे घर वालों मुझे हड़काया धमकाया, कहा कि अगर दोबारा अप्लीकेशन दी तो तुम्हें जेल में डलवा देंगे, मुकदमा भी लिखवा देंगे। अच्छा, आपने आवास को लेकर प्रधान के पास गए थे? हाँ, प्रधान के पास भी गया था। तो प्रधान ने क्या बताया? कि हमारे पास आने से कोई फायदा नहीं, विपक्ष को नहीं देखेंगे। अच्छा, विपक्ष को नहीं देखेंगे। कितने लोगों को आपका आवास दिए गए आपके गांव में? 62 लोगों के आवास आ चुके हैं। क्या सभी पात्र हैं? उसमें 2-4 लोग पात्र हैं, बाकी सब अपात्र हैं। अच्छा, उनसे पैसे भी लिए गए कि नहीं लिए गए? हाँ, सबसे 20,000 रुपये लिए गए। अच्छा, तुमसे पैसा मांगा गया कि नहीं? हाँ, हमसे भी मांगे गए 20,000 रुपये। हम गरीब आदमी हैं तो मैंने रुपये नहीं दे पाए, तो वही जाकर कह दिया तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे अगर दोबारा अप्लीकेशन दी तो। अच्छा, आपका मकान कच्चा बना है कि पक्का बना है? मेरा मकान दूसरे की दीवारों पर छप्पर रखा है। दूसरे की दीवारों पर छप्पर रखा है। आप वीडियो साहब के पास गए थे? हाँ, वीडियो साहब के पास मैं गया था। वीडियो साहब ने क्या बताया? वीडियो साहब पे जाओ, ठीक है, तुम्हारी जांच करते हैं। घर पर आए, जांच की, जांच करने के बाद में उन्होंने धमकाया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे।